शहर कायद में गुज़िश्ता 7 साल से सीसीटीवी कैमरों का जाल बिछाने के मंसूबे बनाए जा रहे हैं। शहरी हुकूमत और कराची पुलिस ने मुख्तलिफ सड़कों पर कैमरे लगाए मगर कोई फायदा न हो सका। दहशतगर्दी के अहम वाकयात में या तो कैमरा खराब होता है या फिर वाकया इसकी आँख से ओझल रहता है। ये तो कैमरे बेकार हैं। कैमरे लगाने से फायदा क्या हुआ? कोई पकड़ा गया? कैमरे रिकॉर्ड करते हैं लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं करते जो होता है। शहर के मुख्तलिफ शाहराहों पर 1500 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे मौजूद हैं। शहरी हुकूमत ने मुख्तलिफ शाहराहों पर 917 कैमरे नस्ब किए जिनमें 211 खराब हैं। पुलिस और ट्रैफिक पुलिस ने मॉनिटरिंग के लिए 630 कैमरे लगाए। ट्रैफिक पुलिस के 270 कैमरे 8 माह से खराब पड़े हैं। पुलिस की जानिब से नस्ब किए गए 130 कैमरे कई माह से बंद हैं। पुलिस के 1000 कैमरे लगाने का मंसूबा भी 2 साल से ताखीर का शिकार है। शहरी हुकूमत का कमांड एंड कंट्रोल रूम भी पुलिस के हवाले कर दिया गया लेकिन उससे भी मॉनिटरिंग के निजाम में कोई बेहतरी नहीं आ सकी। पुलिस हुक्काम कैमरों से देखे जाने वाले जराइम पर फौरी एक्शन न लेने पर खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। कमांड एंड कंट्रोल रूम से जराइम की बरवक्त इत्तला न दिए जाने के बाइस आज तक टारगेट किलिंग या दीगर संगीन जराइम का कोई मुल्जिम गिरफ्तार नहीं हो सका। मेन पॉइंट है हुकूमत, मेन हमारा कैमरा है हुकूमत। जब उसने आंखें बंद की भी तो ये दिखावे के कैमरे हटा दिए जाए। कैमरों की मुनासिब देखभाल न होने से उनकी देखने की सलाहियत भी मुतासिर हुई है। हुकूमत ने करोड़ों रुपए इन बरखी आंखों को आवेजा करने के लिए लगा दिए हैं। न ही इन बरखी आंखों की वजह से कोई मुजरिम खौफजदा है और न ही आज तक कोई गिरफ्तार हुआ है। कैमरामैन कयूम शेख के साथ मुनव्वर आलम, दुनिया न्यूज़, कराची।